एवरीवन इस पिक्चर को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज मैं अपनी सिलेबस एक्सप्लेनर सीरीज में कौन सा स्टेट टेकअप करने वाली हूं तो चलिए डिस्कस करते हैं हेलो एवरीवन माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक आज मैं आई हूं हमारी सिलेबस एक्सप्लेनर सीरीज के साथ और जो स्टेट में टेकअप करने जा रही हूँ वो है राजस्थान सो लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की ये जो एग्जाम होता है सिविल जज का हर स्टेट का तीन स्टेजेस में ही होता है वैसे ही राजस्थान का भी होता है फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन द सेकेंड स्टेज इज मेन्स एग्जामिनेशन एंड द थर्ड एंड फाइनल राउंड इज इंटरव्यू अब एक एक करके इन स्टेजेस को मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगी तो स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसे मैंने दो तरीके से आपको बताने की कोशिश की है एक है पैटर्न क्या होगा एग्जाम का और दूसरा सिलेबस क्या होगा तो पहले चलते हैं पैटर्न पे ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होता है आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ओ एम आर शीट पे लेके आपको उसी में अपने आंसर फिल करने हैं ढंग से फिल करिएगा क्योंकि कभी कभी ये भी एक ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन हो जाता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 हर क्वेश्चन एक मार्क का है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप यहाँ आराम से गेस्ट वर्क भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्म नहीं हो आंसर को लेकर के ड्यूरेशन दो घंटे का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये होता है कि जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें मेन्स के एग्जामिनेशन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स टोटल करके आपकी मेरिट बनती है प्री में आपके कितने मार्क्स आए हैं? दैट डजंट मैटर इससे सिर्फ आप मेंस लिखने के लिए क्वालीफाई होते हो अब आते हैं सिलेबस सिलेबस में दो पार्ट में डिवाइडेड है एक है लॉ और दूसरा है लैंग्वेज लॉ का सिलेबस सेम है जैसे कि मेंस एग्जामिनेशन का उस उसे मैं आगे डील करूंगी अब आते हैं इंग्लिश और हिंदी पे मतलब लैंग्वेज पेपर्स पे पहले आते हैं इंग्लिश पे इंग्लिश का जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिवाइडेड है ये का English grammar, अगर आपने tenth level तक English grammar के basics पढ़े हैं तो यहाँ का पेपर आराम से attempt कर सकते हैं टेंसेस पूछे जाते हैं आर्टिकल्स फ्रेजेस इडियम्स एक्टिव वॉइस पास वॉइस डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच ये सारी चीजें हमने अपने टेंथ लेवल तक पढ़ी है तो अगर आपको वहां तक की ग्रामर आती है तो आप उसे फॉलो करिए आप आराम से पेपर कर लोगे अब आते हैं हिंदी के सिलेबस पे हिंदी का भी सिलेबस एग्जैक्टली exactly वही है टेंथ लेवल तक की ग्रामर आती है यहाँ पर अगर आपने टेंथ लेवल तक की ग्रामर पढ़ी है ये चीजें भी वही हैं सिनोनिम्स वर्ड है synonyms, andonyms, word substitution, बस ये हिंदी में लिखा हुआ है बहुत ही लेमैन टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है टेंथ लेवल तक की ग्रामर पढ़िए यू विल बी एबल टू कवर दिस पोर्शन एज वेल अब आते हैं हमारे मेंस एग्जामिनेशन पे जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसे भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है एक है पैटर्न और दूसरा है सिलेबस पैटर्न क्या होगा ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा हर मेंस का एग्जाम डिस्क्रिप्टिव नेचर का ही होता है टोटल मेंस में चार पेपर होते हैं दो पेपर लॉ के होते हैं और दो पेपर लैंग्वेज के होते हैं लॉ का हर पेपर लिखने के लिए आपको तीन घंटे का टाइम मिलेगा और लैंग्वेज पेपर्स लिखने के लिए आपको दो घंटे का टाइम मिलेगा लॉ का पेपर हंड्रेड मार्क्स ईच का है और लैंग्वेज का पेपर फिफ्टी मार्क्स ईच का है तो हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टी इन टोटल जो आपका मेन्स एग्जामिनेशन है वो थ्री हंड्रेड मार्क्स का होगा इन टोटल अब आते हैं सिलेबस पे मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस को मैंने दो पार्ट पे डिवाइड किया है लॉ पेपर्स और लैंग्वेज पेपर्स क्योंकि दो पेपर लॉ के होते हैं एक सिविल लॉ एक क्रिमिनल लॉ और दो पेपर लैंग्वेज के होते हैं एक हिंदी लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज अब वन बाय वन इनको भी इन डिटेल डिस्कस करते हैं सबसे पहले आते हैं लॉ पेपर वन पे ये हमारा सिविल लॉ का पेपर है टोटल हंड्रेड मार्क्स का है इसको को लिखने के लिए आपको तीन घंटे मिलेंगे और इसके मार्क्स है हंड्रेड यहाँ पे ये चीज पॉइंट करने वाली है कि प्रिलिमिनरी और मेंस का सिलेबस सेम होगा लॉ का अब आते हैं सिलेबस फॉर लॉ पेपर वन जो लॉ पेपर वन है हमारा वो सिविल लॉ है हंड्रेड मार्क्स का है तीन घंटे लिखने के लिए मिलेंगे और ये जो सिलेबस है प्री एग्जाम और मेंस एग्जामिनेशन के लिए सेम है अब मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ सब्जेक्ट है सी टी सी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस लिमिटेशन स्पेसिफिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ये एक एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है जो दूसरे स्टेट एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं जल्दी राजस्थान रेन कंट्रोल एक्ट यहाँ का लोकल लॉ है और फिर है ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग ये चीज सिर्फ मेंस में आएगी इससे क्वेश्चंस आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में नहीं मिलेंगे अब चलते हैं लॉ के दूसरे पेपर पे दैट इज क्रिमिनल लॉ अगेन ये हंड्रेड मार्क्स का होगा इसे लिखने के लिए भी आपको तीन घंटे मिलेंगे और इसका सिलेबस भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेम होगा अब सब्जेक्ट बता देती हूँ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इंडियन एविडेंस एक्ट आईपीसी जिवेनाइल जस्टिस एक्ट एन आई इसका सिर्फ एक्सक्लूसिवली चैप्टर सेवेंटीन जो कि डिसऑनर ऑफ चेक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट सेक्शुअल हरसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस ये सारा आपको मिलेगा प्रिलिमिन्री और मेन्स दोनों में लेकिन जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग है ये एक्सक्लूसिवली मेन्स के लिए है ये हो गया हमारा लॉ का दूसरा पेपर अब आते हैं लैंग्वेज पेपर्स पे लैंग्वेज पेपर दो होंगे एक पेपर होगा हिंदी लैंग्वेज का एक पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का 50 मार्क्स के होंगे दोनों पेपर और दो घंटे आपको दोनों पेपर लिखने के लिए मिलेंगे और दोनों पेपर में सिर्फ आपको ऐसे लिखना होगा वो लेस ऐसे सोशल इशू या लीगल इशू किसी पे भी हो सकता है ट्रेडिशनल भी हो सकता है या करेंट इशू भी हो सकता है तो आप हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए और इसके लिए आप हमारी सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं जो कि हमारे चैनल पर चल रही है तो यू कैन गो फॉर इट एज वेल अब आते हैं लास्ट राउंड पे जो कि स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा डरने वाला राउंड होता है वो है इंटरव्यू का यहाँ पर इंटरव्यू थर्टी मार्क्स का होगा इन लोगों ने स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए ये चीज मेंशन की हुई है कि आपका इंटरव्यू सिर्फ एकेडमिक पर ही कंफाइन नहीं रहेगा यहाँ पर क्वेश्चंस पर्सनालिटी आपके रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक्स जैसे कि आपने टेंथ तक या ट्वेल्थ तक जो भी स्कोर किया है उस पे पर बेसिस पर एनालाइज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं और प्रोफिशियं इन राजस्थान डायलेक्ट प्लस सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान क्योंकि ये राजस्थान सर्विसेज का एग्जामिनेशन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे राजस्थान स्टेट पर, पर पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां के डायलेक्ट से रिलेट करके और कस्टम से रिलेट करके सो बी प्रिपेयर फॉर दैट और आप कोई भी स्टेट जुडिशियल एग्जाम देने जाइए तो आप उस स्टेट के बारे में इन डेप्थ स्टडी करके ही जाइए क्योंकि बट ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोर ओवर आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं वहां के बारे में भी आप इन स्टडी करके जाइए क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको अपने स्टेट के बारे में भी नॉलेज होगा तो ये था हमारा सिलेबस राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर के थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ऐसे ही और अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक like करिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट